जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस जी चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख लिया है कि मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग होम डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जो कि 11 फरवरी को ही यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश कुछ दिशा निर्देश हैं, जो कि 11 फरवरी को यहाँ पर जारी किए गए हैं। इससे पहले आपको पता होगा, एक दिशा निर्देश यहाँ पर 23 दिसंबर को जारी किए गए थे, इसके बाद 5 जनवरी 2022 को जारी किए गए थे, इसके बाद 14 जनवरी 2022 को जारी किए गए थे। 23 दिसंबर, 5 जनवरी और 14 दिसंबर वाले में क्या किया गया, सॉरी 14 जनवरी वाले में क्या किया गया था, यहाँ पर कोरोना वायरस के जो प्रकरण हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इसी वजह से यहाँ पर लॉकडाउन जैसे नियमों का पालन करना पड़ रहा था हमको, यानी कि यहाँ पर कुछ सख्ती बरतनी पड़ रही थी। अब 231 जनवरी को क्या हुआ, थोड़ी बहुत छूट दे दी थी हमें, यानी कि जो शादी विवाह में 250 लोगों की जो एंट्री रखी गई थी उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि अब चाहे जितने लोग आ जा सकते थे शादी बकरा में। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में कब 231 जनवरी, जी हाँ 231 जनवरी के बाद में अब 11 फरवरी को एक नोटिस जारी किया गया है। किसके लिए जारी किया गया, कोरोना वायरस के बचाव के लिए। यहाँ पर क्या निर्देश जारी किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जारी कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित समस्त दिशा निर्देश निरस्त किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर 23 दिसंबर, 5 जनवरी, 14 जनवरी और 31 जनवरी को जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे वो सभी दिशा निर्देश निरस्त किए जाते हैं, तथा निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब निम्नानुसार क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो देखिए, प्रदेश में रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हमारे मध्य प्रदेश में अब 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा स्वयं। इसके बाद कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि, इन सभी का हमको पालन करना होगा। और जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्र जहाँ संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। अब केवल और केवल 203 ही ऐसे नियम हैं जो हमें पालन करना है, जिन तीन नियमों को, जिनमें से दो नियम हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो 11 बजे से 5 बजे तक और मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि, इन सभी को हमको पालन करना है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी दिशा निर्देश थे वो सभी दिशा निर्देश कैंसिल कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर शादी वगैरह में जो एंट्री तो पहले ही खत्म कर दी थी, यहाँ पर चाहे जितने लोग आ जा सकते थे, जैसा कि हॉल में 50% की उपस्थिति रखी गई थी अब उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। कॉलेज में, स्कूल में 50% उपस्थिति के साथ में ओपन हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिया, यानी कि अब जो कॉलेज हैं दोस्तों 100% की उपस्थिति के साथ, स्कूल दोस्तों 100% उपस्थिति के साथ में ओपन होंगे, यानी कि अब सभी चीज़ें ओपन कर दी गई हैं, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, केवल 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और कोई भी काम यहाँ पर नहीं है, यानी कि अब कोई भी दिशा निर्देश यहाँ पर नहीं है। निर्देश यहाँ पर केवल जो पालन हमें करना है 11 बजे से 5 बजे तक का, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी नियमों का पालन करना है और कोई भी नियम अब हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं, यानी कि हम अब पूरी तरह से प्रतिबंधों से मुक्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।